हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मार्केट जैसे छोले बनाएंगे जो खाने में काफ़ी अधिक टेस्टी और स्वादिष्ट लगेंगे। आज हम लोग चटपटे छोले बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बनाना, देखिए फ्रेंड्स, जिसके लिए मैंने ये मटर ली है, इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। मटर को इस तरीके से, टमाटर लिए हैं, इमली का पानी लिया है, भुना जीरा लिया है, नमक, लाल मिर्च, नींबू का रस, चाट मसाला और धनिया की चटनी, हरी मिर्च, प्याज और बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आज हम लोग बिल्कुल बाजार जैसे चटपटे छोले बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग बाउल के अंदर छोले ले लेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हमने इस तरीके से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब हम इसके अंदर बॉईल किए हुए आलू डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, स्किप भी कर सकते हो आप लोग हरी मिर्च। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच धनिया की चटनी डालेंगे, इमली का पानी डालेंगे। ये 3 चम्मच हम लोग इमली का पानी डाल रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। नींबू का रस डालेंगे, ये 2 चम्मच मैंने नींबू का रस डाला है इसके अंदर। भुना जीरा डालेंगे हम लोग इसके अंदर 1 चम्मच। चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच। हम लोग नमक डालेंगे। नमक आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डालना, क्योंकि बॉईल करते समय भी हमने नमक डाला था। 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये छोले काफ़ी चटपटे और स्वादिष्ट बनेंगे, इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बनाना। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चटपटे छोले बनके एकदम तैयार है। अब हम धनिया की पत्तियाँ इसके अंदर डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारे छोले बनके एकदम तैयार हैं। अब हम इसे कुलचे के साथ सर्व करते हैं। ये बिल्कुल चटपटे और फीके बने एकदम। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चटपटे छोले बनके एकदम रेडी है। हमने इसे कुलचे के साथ सर्व किया है। ये मैंने कुलचे मार्केट से लिए हैं, मार्केट में भी आपको इजीली कुलचे मिल जाएंगे। अचार लिया है। आज के हमने छोले कुलचे इस प्रकार सर्व किए हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना आपको छोले कुलचे कैसे लगे।